हालांकि इस मुद्दे पर वीडियो बनाना था, लेकिन लगातार आपके क्वेश्चंस भी आ रहे थे, लगातार आपके कमेंट्स भी आ रहे थे, पर्सनली मैसेज भी आए थे, तो ये ज़रूरी था कि दो बहुत बड़े मुद्दे थे, दो तीन, एक तो कि किस मैगजीन से हम करंट अफेयर्स कवर करें और दूसरा किस महीने तक का और कितना करंट अफेयर्स कवर करें। ये सब बहुत बड़े मुद्दे थे। उससे पहले कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, देवबीगढ़ नया टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है किस राज्य में, तो आप बता पाएंगे कहाँ बनना होगा, उड़ीसा में। तो ये सब क्वेश्चन हाल ही में मेरीवन, खैर वो बात की बात है, ये आप कितनी राष्ट्रीय पार्टी रह गई ये सब देख लीजिए। खैर, उन सबसे पहले जो मुद्दा है हमारी बुक्स के लिए, बेसिकली देखिए कुछ बच्चों ने, वैसे जो UPSC के लिए आप जानते हैं कि दो ही बुक्स सबसे ज़्यादा हम लोग रिफर करते हैं, एक तो होती है आपकी घटनाचक्र और एक घटनासार। हालांकि कुछ स्टूडेंट ने उत्कर्ष जोधपुर वाली कोचिंग है उसके लिए भी बात की और एडविरिया की बात की है। तो देखिए, पढ़ने को आप कोई भी बुक पढ़ें वो आपका है, ना तो मेरा किसी बुक से कोई कमीशन मिलता है, ना मैं कोई वो भी हूँ, लेकिन मैं अपनी बात बताऊँगा जहाँ से लगातार मेरे स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं और जहाँ तक मैं उनको लगातार करवाता हूँ करंट अफेयर्स, और इतनी बारी मैंने इतने अच्छे अच्छे मार्क्स जो मेरा हमेशा स्कोर रहता है हाई वो, और अन्य मुद्दों के हिसाब से ना तो मुझे कोई घटना चक्र, ना कोई घटना था, ना कोई कोई मुझे पैसे देता है, ना कोई मुझसे टाइप करता है। छोटे से हम लोग स्टूडेंट्स हैं, छोटे से टीचर्स हैं, हमारे पास कौन सा कोई लाखों के सब्सक्राइबर हैं या कोई बहुत बड़े चैनल वाले हैं जो हमको वो पैसे देंगे। तो मैं खाली आपके हित के लिए, और मैं दावा भी नहीं कर सकता कि नहीं यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इसी चैनल फॉलो करिए, वो अपनी अलग बात होती है, लेकिन आपको अपनी मेहनत करनी है, आपको अपना बेहतर देना है। इसलिए मैं चाहूँगा कि एक तो एडिटेरिया जो बुक है, अगर जो पढ़ते हैं उनके लिए बहुत बेहतर, उनकी कोई, मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ कि आप नहीं पढ़ सकते, कि मेरी बात ही अंतिम सत्य सिद्ध होगी। आप जानते हैं जैन धर्म में भी 7 सिद्धांत दिए गए हैं, है ना, आस्ति नास्ति नास्तव्यम, नास्तव्यम है नहीं है कह नहीं सकते। तो उसी तरह आप चाहें तो एडिटेरिया को भी पढ़ सकते हैं, वो आपकी डिपेंड है, लेकिन एडिटेरिया और उत्कर्ष जोधपुर का जो करंट अफेयर, इन दोनों के पक्ष में मैं नहीं हूँ, इनको मैं यहीं पर खारिज कर दे रहा हूँ, वो आपकी डिपेंड, आप इच्छा, आपकी इच्छा पर डिपेंड, आप क्या करना चाहते हैं वो बात आपकी अलग है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे तो बेसिकली यहाँ पर जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो मैं बात करूँगा एक तो घटना चक्र की जो आ गई है उसका वीडियो भी, घटना चक्र और एक घटना सार, इन दो पुस्तक को मैं लेकर, घटनासार का वीडियो मैंने डाल भी दिया, आप वहाँ से देख भी रहे होंगे, घटना चक्र का भी डालूंगा। अब बेसिक बात दो बुक में है और एक कि आप अधिकतम करंट अफेयर्स कहाँ तक का तैयार करें, तो आप ये मान के चले वैसे पूरे साल का आपको पढ़ना है, लेकिन फिर भी अधिकतम जो जोर आपका रहेगा आपका 15 अक्टूबर से लेकर के 15 अप्रैल तक का करंट अफेयर्स घोट के पीना पड़ेगा आपको। 6 महीने हो गए अप्रैल, ना देखिए 15 अक्टूबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, लगभग 6 महीने, 15 अक्टूबर से 15 अप्रैल, 15 अप्रैल के बाद का तो शायद ही कोई क्वेश्चन वो पूछेंगे। अब देखिए घटनासार और घटनाचक्र दोनों में क्या अंतर आप देख पाते हैं वो आप देख लीजिए। तो अगर हम बात करें पहले घटना, है ना, तो जो आपकी घटनासार है ना, घटना सार, इसमें क्या खास बात है कि इसमें एक तो सॉल्ट पॉइंट सब दिए हुए, तो आप सॉल्ट पॉइंट समझ सकते हैं लेकिन उसके बीच की थ्योरी आप नहीं समझ सकते, लेकिन बेहतर बुक है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, और चाहे तो दोनों फॉलो कर लीजिए, घटनाचक घटनासार, लेकिन अगर आपके पास समय की कमी है तो आप घटनासार देख सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो सबसे बेहतर बुक रखी जाएगी वो घटना चक्र की, अगर हम बात करें जो ई दृष्टि है जो आने वाली है जिसमें आग बनी होती है, इसमें क्या है कि इन्होंने एक बहुत डिटेल से पॉइंट भी दिए होते हैं और उससे संबंधित फैक्ट भी दिए होते हैं ताकि आप उसको बेहतर ढंग से पढ़ सकें और समझ सकें। तो अगर आपको सिर्फ एक ही बुक चुननी है, आपके पास अधिक समय नहीं है, तो आप घटना चक्र आई दृष्टि वालों को फॉलो कर सकते हैं, अधिकांश क्वेश्चन उससे मिलते रहे हैं, लगभग 70-80% क्वेश्चन करंट के वहाँ से मिल जाते हैं, और बाकी आपने अपनी स्वयं मेहनत की है कुछ ना कुछ तो करंट आपने बनाया होगा, या आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पर जो भी करंट अफेयर्स के वीडियो आप उनको भी देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ आप मेरे, आप जहाँ से देखो आपकी इच्छा है, लेकिन अल्टीमेटली मेहनत करना आपका काम है, जुटे रहना आपका काम है, और असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप अल्टीमेटली अपने गोल को हासिल करेंगे, उन क्वेश्चनों के फेर में ना पड़े, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो अगर घटना चक्र की हम बात करें, ई दृष्टि, चाहे तो अगर आपके पास समय है
एक बार घटना चक्र को बेस बना लीजिए, घटना सार को देख लीजिए, नहीं तो एक ही बुक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो घटना चक्र को फॉलो कर लीजिए। यहाँ से लगभग 70 से 80% क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेकिन उसको आप 1 से 2 बार पढ़ने का प्रयास करें। और अगर नहीं कर सकते हैं तो जैसे ही घटना चक्र इंग्लिश वाली आ गई, हिंदी वाली भी आने वाली, उसका कंप्लीट वीडियो, पूरा वीडियो है पूरी बुक का, इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि उसमें होंगे लगभग 217-218 पेज, वो जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उन सभी का कंप्लीट वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करा दूंगा। आप उसको 1, 2, 3 बार जितनी बार रिवाइंड करके देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो घटनाचक्र इसीलिए मैं रिफर करता हूँ क्योंकि उसमें फैक्ट के साथ साथ उससे संबंधित पॉइंट्स और थ्योरी दी होती है, जिससे आपको एग्जाम्स में समझने में आसानी होती है तो आप बेहतर करेंगे। तो इन चारों बुक में उत्कर्ष और एटोरिया वाली बुक के पक्ष में मैं हूँ नहीं, वो आप चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, आपका अधिकार है। आर्टिकल 19A राइट टू स्पीक एंड स्पीच एवरी इंडियन, प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को अपनी बात कहने और उसका अधिकार है। घटनासार ठीक है, लेकिन घटनाचक्र थोड़ा सा उससे 20 जाएगी, घटनासार 19 आएगी, मैं ये बता दूँ। हाँ, अगर आप दोनों बुक फॉलो कर लें तो और बेहतर रहेगा, फिर भी अगर एक बुक को चुनना होगा तो आप घटनाचक्र को ही पढ़ सकते हैं। पढ़िए, उसके वीडियोस मैं जस्ट ही अपलोड करूँगा, वो आपके पास आ जाएंगे। और रही बात, अभी एग्ज़ाम टलने की ऐसी कोई खबर नहीं मिल रही है, जब मिलेगी तो आपको मैं बता दूंगा। आप अभी अपने एग्ज़ाम को 14 मई, क्या 14 मई 2023 मानकर ही आपको चलना, क्या चलना है आपको 14 मई 2023 मान के ही आप आगे बढ़ेंगे, तभी उसमें आपका फायदा रहेगा, अदरवाइज आपको समस्या उसमें हो सकती है। क्योंकि आपको अपने लक्ष्य को साधने के लिए अधिक दिनों का मौका नहीं चाहिए, अधिक दिनों का प्रयास नहीं करना है। और स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। आप लगे रहिए और समय को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि समय अगर बर्बाद करेंगे तो समय बहुत खतरनाक होता है। आप जानते हैं, नेपोलियन ने कहा था कि मैंने समय को नष्ट किया और समय ने मुझे नष्ट कर दिया, तो इसलिए जो बचा हुआ समय है वो आपके बेहतर और आपके अच्छे प्रयासों के लिए समय है। तो उस समय को आप अपनी बहादुरी में और अपने उत्थान में लगाएं, जो कुछ समय है उसमें, है ना, इस तरह की पढ़ाई करें कि आपके लिए, गांधी जी ने कहा ना कि ऐसे काम करें जैसे कली मरना। तो जो समय आपके पास है उस समय को आप इतना बेहतर बदल दिए कि आप बहुत अच्छे तरीके से इन सबको कर जाएं। और समय अभी भी है आपके पास, है ना, 4 बार 24 गज अंगुलस प्रमाण, ताव पर बैठो सुल्तान मत चूको चौहान। और जो लोग भी समाज आपसे आज आपके पक्ष में नहीं होगा, कल वो आपके पक्ष में आएगा। गांधी जी कहते भी हैं, पहले लोग तुम्हें महत्व नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, आदि भी नहीं देंगे, पहले लोग तुम्हें महत्व नहीं देंगे, फिर तुम पर हंसेंगे और फिर तुमसे लड़ेंगे और तब तुम जीत जाओगे, तब तुम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लोगे। तो लगे रहिए धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ। अभी आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ 14 मई की ही होनी चाहिए, है ना। खुशी तब होती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें एक सामंजस्य होता है। तो ये जो शब्द हैं वो बेहतर हो सकते हैं और आप एक विनम्र तरीके से पूरी दुनिया को लाने की क्षमता रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें।